स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कहें लेटेस्ट टॉपिक जो आप सभी को हमेशा सुनने के लिए आ रहा है, न्यूज़ में देखने के लिए मिल रहा है, उसके बारे में डिस्कशन कुछ करेंगे, कुछ अच्छे चीज़ों के बारे में बताएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी भी बहुत सारी फैली हुई है और बहुत सारे आप देख रहे हैं कि दंगे भी हो रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि आपके इस अग्निपथ के द्वारा जो अग्निवीर जो बनेंगे, यानी अग्निपथ योजना के द्वारा जो अग्निवीर बनने वाले हैं, जो भी हमारे आने वाले फ्यूचर में स्टूडेंट्स जो भी होंगे, वो अगर अग्निपथ के द्वारा जब अग्निवीर बनेंगे तो उनको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, यदि वो चार साल के बाद यानी उनके नौकरी पीरियड ख़त्म होने के बाद, यानी उनके कह सकते हैं ड्यूटी पीरियड ख़त्म होने के बाद वो क्या करेंगे, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अग्निपथ से जो अग्निवीर बनने वाले हैं योजना है, ये बहुत ही अच्छी है और बहुत ही कह सकते हैं लाभदायक होगी आपके लिए। आप अगर ध्यान से समझे, अगर अभी तक जो भी स्टूडेंट समझ चुके हैं वो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे हैं तो उनको हम इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि कैसे आप इस चीज़ से पॉजिटिविटी थिंकिंग ले सकते हैं, पॉजिटिव आप हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे अलग अलग चैनल पे, बहुत सारे अलग अलग जगह आपको इसके नेगेटिविटी के बारे में भी बताया गया होगा, लेकिन ठीक है, वो सभी चीज़ अच्छी बातें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना है कि हम अपने सारे ज़िंदगी को, सारे जीवन को अपने फोर्स में दें, तीनों फोर्स में दें, किसी भी फोर्स में जाने का उनकी इच्छा हो, किसी भी फोर्स में दे, लेकिन ये योजना से भी आपको लाभ होने वाला है अगर आप समझेंगे तब। अब देखिए, हम आपको एक एक लाभ अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे गिनवाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या इसे लाभ आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि जो भी लोग अगर पूछते हैं कि चार साल के बाद अग्निवीर क्या करेंगे, उनके लिए हम बता दें कि चार साल के डिसिप्लिन और स्किल्ड जीवन के बाद 24 साल की उम्र का व्यक्ति अन्य की तुलनाओं में नौकरी पाने के लिए हमेशा एक बेहतर विकल्प होगा। समझिएगा बात को कि चार साल के बाद आपका जो कह सकते हैं कि वे हो जाएगा वो एकदम डिसिप्लिन मैनर हो जाएगा, आपका स्किल्ड आप हो जाएंगे। फिर 24 साल की उम्र से पहले हम आपको बताएंगे कि 24 साल की उम्र से पहले आपके पास क्या क्या रहेगा, जो एक आम लोगों के पास 24 साल की उम्र तक कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो समझिएगा, तो आप एक डिसिप्लिन और स्किल्ड आदमी बन जाएंगे, जिससे कि आपको आने वाले समय में 24 के बाद नौकरी पाने का आपको बहुत अच्छा विकल्प मिलेगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे आपको अपॉर्चुनिटी दिए जाएंगे, ठीक है। इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी दिए जाएंगे और आपको अलग से भी आपको मिलेगा, ठीक है। जहाँ पर जाइएगा आप वहाँ पर आपको स्पेशल प्रेफरेंस भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये बातें हो गई, हम आपके और भी अच्छे अच्छे चीज़ों को गिनाएंगे जो नॉर्मल लोग, अधिकतर लोग देखते हैं कि वो 25, 26, 27 आज के समय में, आज का सिनेरियो जैसा चल रहा है, वो 25, 26, 27 की उम्र में उनको नौकरी मिलता है, तब वो नौकरी करते हैं, वो भी नौकरी करते हैं तो इतना पैसा उनके पास नहीं रहता है जितना आपके पास रहेगा। हम अच्छी चीज़ें अच्छे तरीके से आपको इस चीज़ों को गिनवाएंगे। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहेंगे हम कि चलिए दूसरी चीज़ आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि अग्निपथ योजना से जो लोग पूछेंगे आपसे कि चार साल के बाद अग्निवीर क्या करेंगे, उनके लिए आपको फिर से बता दें कि चार साल बाद गृह मंत्री ने योग्य अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल में भर्ती के प्राथमिकता देने की बात कही है। यानी CAPF और असम राइफल में जो चार साल के बाद जो भी कह सकते हैं कि अग्निवीर रहेंगे उनको क्या होगा, उनको स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे हम बात करेंगे फिर इसके बाद कि चार साल में एक को पक्की नौकरी, यानी कहने का मतलब है कि जो भी अग्निवीर चार साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे, उनका ड्यूटी पीरियड खत्म हो जाएगा, तो चार में से एक को पक्की नौकरी मिलेगा, या फिर कह सकते हैं कि करियर में ऑब्जर्वेशन के चांस कम होंगे, ठीक है। करियर में क्या होगा, उनका ऑब्जर्वेशन का चांस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो आपको एक पक्की नौकरी आपको वहाँ पे मिलने की संभावना है, ठीक है। फिर आगे बात करें, चलिए ये जो चीज़ है चार में एक की पक्की नौकरी इसको हम थोड़ा सा देर के लिए कैंसिल भी कर देते हैं, मान लेते हैं हो सकता है सरकार का योजना है, कुछ भी करता है सरकार, ठीक है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, क्या करेंगे इसको इग्नोर करेंगे, थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। आगे बात करेंगे हम फिर कि नेक्स्ट जो है हमारा कि चार साल बाद कई राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्या है, उत्तराखंड, हरियाणा और असम के अग्निवीरों को सेवा के उपरांत पुलिस व पुलिस के सहयोग बलों में समायोजित करने का प्राथमिकता देने की बात कही। यानी कहने मतलब आपको पुलिस और पुलिस के जो भी आपके कह सकते हैं कि बल होंगे, यानी उसमें जो भी फोर्स निकलेगा पुलिस का, उसमें आपको क्या होगा, प्रेफरेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, उसमें आपको प्रेफरेंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपके लिए बेनिफिट है। फिर बाद में हम आपको एक सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया चीज़ आपको गिनवाने वाले हैं, जो कि आपके पास इस कह सकते हैं कि स्क्रीनशॉट में आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी इस आपके थंबनेल में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने लोग के पास, समझिएगा बात को, कि कितने लोग के पास 21 से 24 साल के बीच 12 लाख की जमा पूंजी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, क्या है, सबसे अभी तक का जितने भी चीज़ हमने बताया है आपको, उसमें का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आप खुद से सोच के बताइए कि कितने लोग के पास, आपके अगल बगल में जो भी आपके दोस्त होंगे, करीबी होंगे, कोई भी होंगे, उनको जिनका उम्र 21 से 24 साल का बीच होगा, उनके कितने लोग के पास अभी, अब देखिए किसी के पास पैरेंटल पैसा रहता है, पहले से पैसा रहता है, खानदानी पैसा रहता है, उनके बारे में नहीं बात कर रहे हैं,
नॉर्मल लोगों के बारे में बात करें, क्योंकि हम सभी लोग नॉर्मल है तो नॉर्मल तरीके से बात करेंगे, ठीक है। तो 21 से 24 साल के बीच में कितने लोगों के पास क्या होता है, 12 लाख क्या होती है, जमा पूंजी होती है, बताइए कितने लोगों के पास होता है। बहुत ही कम, बहुत ही कम। अगर हम बात करेंगे 100 में से 100 में से हम बात करेंगे, एक दो, कितना, 1 से 2 लोगों के बीच में होते हैं, ठीक है। तो हमारा परसेंटेज कितना हो गया, 1 से 2% के बीच, ठीक है। तो इतने लोगों के पास सिर्फ क्या होती है, 21 से 24 साल की उम्र में 12 लाख की जमा पूंजी होती है, और वो भी जमा पूंजी खुद का होना, 21 से 24 साल की उम्र में खुद के पास 12 लाख का जमा पूंजी होना बहुत बड़ी बात है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप समझ सकते हैं कि आप अगर अपने ड्यूटी पीरियड के बाद भी आपके पास इतना पैसा रहेगा कि आप एक अच्छे खासे खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, इवन आप आगे पढ़ने के लिए भी उस पैसे से पढ़ाई कर सकते हैं। हम आपको तरीका बता रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि आप बिजनेस करिए या फिर कुछ भी करिए, हम आपको तरीका बता रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आपके पास इतना ज़रूर पैसा रहेगा कि आप उससे अपने आने वाले जीवन के लिए, भविष्य के लिए अच्छी तरीके से उसको संचालित कर सकते हैं, अच्छी तरीके से अपने भविष्य को आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो 21 से 24 साल के बीच में आपके पास 12 लाख की जमा पूंजी कम से कम आपके पास इतना रहेगी, ये आपको सरकार लास्ट में ही मिलेगा। फिर साथ ही साथ आपका जो वेतन होगा उससे भी आप पैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको जस्ट अभी बताएंगे, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हैं, अपने आप जीवन को आगे की ओर अच्छे से बढ़ा सकते हैं, आगे अच्छी जगह पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ से फिर अच्छी जगह आप नौकरी पा सकते हैं, और भी बहुत सारे आप इस पैसे से अच्छी अच्छी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे फिर से कि 21 से 24 साल की आयु में लगभग, 21 से 24 साल की आयु में लगभग आपके पास 20 लाख की राशि जोड़ सकेंगे, 20 लाख की राशि जोड़ सकेंगे। कैसे, देखिएगा, इसकी स्कीम के अनुसार आपको पता होगा कि पहले साल में 30,000 रुपये के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है, वेतन मतलब पेमेंट, ठीक है। फिर दूसरे साल में आपका 33,000 के आसपास मिलेगा, फिर तीसरे साल में 36,000 के आसपास मिलेगा, हम अप्रॉक्स बता रहे हैं, और आपके लास्ट ईयर यानी चौथे साल में आपको क्या होगा, और ये चार साल आपको एक साल का ट्रेनिंग या फिर जितने भी समय का ट्रेनिंग होता है उसको छोड़ कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको लास्ट ईयर में यानी चौथे साल में आपको 40,000 तक का आपको वेतन मिलेगा, ठीक है। आप अगर इससे अनुमान लगाएंगे तो आपका इसका सैलरी भी आप लगा सकते हैं। आप देखेंगे कैसे, इसको अगर हम 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 × 36 यानी 3,60,000, ठीक है, क्या होगा, 3,60,000। इससे हम बात करेंगे 33 से, तो ये आपका कितना होगा, आपका होगा लगभग, हम कह सकते हैं कि इसको भी चलिए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम सबको मान लेते हैं इसको, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका कि 33,000 से बात करते हैं, इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये जो आपका होता है, ये टोटल अमाउंट निकलता है इसका 3,96,000, ठीक है, और इसका निकलता है आपका 4,32,000, और इसका निकलता है आपका 12 × 4 = 48 होता है ना, तो 4,80,000, ये आपका क्या निकलता है, टोटल कुल राशि जो आप चार साल में आपको कमाएंगे, ठीक है। तो ये अगर हम जोड़ेंगे, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो सोचिएगा, अप्रोक्सीमेट जोड़ते हैं, अगर हम सबको मिला के कितना मान लेते हैं इसको, ये चार कितना, 4×4 = 8, 8×3 कितना होता है, 11, और 11×3 क्या होगा आपका, 14, ठीक है, और ये 9, और ये आपका मिला के इसको मान लेते हैं 14, 1×15 और 16, हम लगभग इसको मान लेते हैं 16 लाख के अप्रोक्स, ठीक है, 16 लाख के अप्रोक्स इसको हम क्या मानते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट हम मान लेते हैं, चलिए ऐसा मान लेते हैं। तो 16 लाख रुपया आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया। अब आप बताइए कि ये जो 16 लाख रुपया आपको है, ये टोटल आपको चार साल के बीच में आपको मिलेगा। इस हर एक साल अगर 2-2 लाख रुपया भी खर्च कर देते हैं तो 4×8 लाख आप खर्चा कर देंगे, तब भी आपके पास 8 लाख रुपया यहाँ पे आपके पास रहेगा, कितना रहेगा, तब भी आपके पास 8 लाख रुपया रहेगा। और साथ ही साथ ये 8 लाख रुपया को हम यहाँ पे लिखते हैं, जो कि आपको समझ में आ चुका है कि हमने इसको कैसे बताया है आपको, ठीक है, ये 8 लाख आपके पास यहाँ पे रहेगा। और साथ ही साथ आप ये जो गवर्नमेंट का फंड है, इसमें आपको क्या करना है, पीएफ के माध्यम से आपको खुद से भी डालना है उससे पैसा, और आपको गवर्नमेंट भी पैसा उसमें डालेगी। आपको टोटल चार साल में 5 लाख के आसपास आपको उसमें क्या करना है, पैसे को डालना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट भी इसमें पीएफ के फंड में आपको जितना आप डालेंगे उतना ही गवर्नमेंट आपको डालेगी, ठीक है, वहाँ पे। तो गवर्नमेंट भी आपको 5 लाख के अप्रोक्स आपको वहाँ पे डालेगी, ठीक है। साथ ही में ये आपका 10 लाख होता है, और 10 लाख नहीं होकर ये आपका गवर्नमेंट इंटरेस्ट जोड़ के आपको ये लगभग 12 लाख के अप्रोक्सीमेट आपको मिलता है, ठीक है। तो 12 लाख आपने यहाँ से बचाया, यानी 12 लाख आपको यह मिलेगा, और साथ ही साथ आपने 8 लाख पहले से बचा के रखा है, तो ये टोटल आपके पास कितना होता है, ये टोटल आपके पास 20 लाख रुपया होता है, कितना, 20 लाख रुपया होता है। अब आप खुद से सोचिए कि
21 से 24 साल की उम्र में जब आप रिटायर करेंगे तो आपके अकाउंट में 20 लाख रुपये आपका खुद का रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आप आगे आने वाले समय में जो भी चाहे वो पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि लोग आज के समय में जैसा सिनेरियो चल रहा है उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, और ऊपर से साथ ही साथ पैसे भी नहीं लोग के पास, तो वो कुछ भी करते हैं। उनको कितने सारे लोगों को तो 30-30 उम्र लग जाता है नौकरी लेने में, तो कितना प्रॉब्लम होता है उन्हें। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि आप जब रहेंगे कितने साल के, आप जब रहेंगे 21 से 24 साल के बीच में, तब तक आपके पास 20 लाख रुपया रहेगा, जिससे आप आने वाले समय में इस पैसे से आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। आप एक बिजनेस करके अच्छे तरीके से उसको रन करके वहां से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं आप आने वाले समय में, आप आगे जो भी चीज़ें हैं उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं जिसमें आपको जाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे अकॉर्डिंग, अगर आप समझे बात को तब। नहीं तो इसके लिए कह सकते हैं निगेटिविटी भी बहुत सारी फैली हुई है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो पॉजिटिविटी है, उसको हमने देख कर यहाँ पर आपको बताया है। आप इसको अदरवाइज ना ले और अच्छे तरीके से हमारी बातों को समझिए। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप सभी स्टूडेंट क्या हो प्रोटेस्ट करना छोड़ दें, या फिर आप इससे बेहतर मिले तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अगर प्रोटेस्ट करते हैं, अगर आपको इससे बेहतर मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये सोने पे सुहागा की वाली बात हो जाएगी और बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो हम इसका विरोध नहीं करना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ये पॉजिटिव चीज़ है, आप इसको अच्छे से समझें। तो ये क्या था हमारा, और आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि आप में से कितने लोग 24 साल के जीवन में सेटल हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि सही बात है कि यहाँ पे आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो 24 साल के जीवन में क्या होंगे, आपके सेटल हो जाएंगे। लेकिन आपके पास जब 20 लाख रुपया रहेगा आपके पास जब पास में, तो आपको सभी लोग वैल्यू भी देंगे और आप क्या रहेंगे, एक सेटल आदमी रहेंगे, क्या रहेंगे, एक सेटल आदमी, ठीक है, एक सेटल व्यक्ति आप रहेंगे, ठीक है, जिससे आप जो चाहे सो कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पे आपको बताया है वो सभी चीज़ यहाँ पे हमने आपको बता दिया है, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं पे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यहाँ से आपको अच्छी चीज़ें पता चली होगी, जो हमारे द्वारा हमें जो सही लगा वो हमने आपको बताने का यहाँ पे प्रयास किया है। जो भी हमारे द्वारा अच्छा था, हमारे द्वारा जो पॉजिटिव थिंकिंग था वो हमने आपको दिया है, आप इसको ग्रहण करें, जैसा आपको लगता है वैसा आप इसको समझें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकें। और आपको यह अगर चीज़ अच्छी लगी, आपको यह चीज़ अच्छे से समझ में आई, इससे आपको बेनिफिट लगा, तो आप ज़रूर हमें बताएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।